दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैं इस समय इम्फाल में हूँ और ये पश्चिमी इम्फाल के एक इलाके में आया हुआ हूँ। यहाँ जो है इलाका निंगथेन मोल कोल है, ये बताया जा रहा है। और यहाँ एक देखिए, आपको बगल में एक इधर दिखाइए शेखर, ये स्कूल है। देखिए, मुझे बताया गया स्कूल है, आप देख रहे होंगे, ये क्रिश्चियंस का स्कूल है और इसमें नाम भी एक लिखा हुआ है। हाँ, यहीं कहीं नाम है, देखिए ये देखिए नीचे क्या है, ये नाम लिखा हुआ है। और वहाँ देखिए वो जो है जले हुए मकान है, खिड़की है, सब जला हुआ है, शीशे तोड़ दिए गए हैं। ये इलाका है और बताया जा रहा है कि यहाँ कुकीज के जो है लोग जो है पढ़ते थे ज़्यादातर, और क्रिश्चियंस का ये पूरा जो है यहाँ इलाका है, क्रिश्चियंस का स्कूल है। और इसी के बगल में आप देखिए इधर, आप शेखर इधर ले आइए, इधर देखिए ये जो है शेखर दिखाएंगे, यहाँ पूरा जो है तोड़ फोड़ किस स्तर पे और जलाया किस स्तर पे गया उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। पूरा जो है टीन के चद्दर हैं, सीट्स हैं, ये पूरी जली हुई हैं, आलमारी जली हुई है, तीन चार आलमारी सब जली हुई है। और उधर कार है, देखिए वो जला दी गई है। और इसके बाद वो घर है, देखिए वो जला दिया गया है, वो घर दिखाइए। और उसके बगल में वो देखिए एक चर्च है, यहाँ दूर से हम दिखाना चाहेंगे, वहाँ एंट्री रुकी हुई है, पूरा गेट बंद है तो लिहाजा अंदर नहीं जा सके। शेखर आप उधर जाइए और वहाँ से चर्च दिखाइए, वो देखिए चर्च जो है वो अंदर पूरा जला दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि पूरे इलाके को कहा जा रहा है कि जो है वहाँ जब कुकी इलाके में शुरू हुआ प्रोटेस्ट, वहाँ वायलेंस शुरू हुआ, उसके बाद यहाँ जो है संगठित रूप से हमला किया गया है इस इलाके में। और यहाँ कुकीज ज़्यादा रहते थे, उनका एक चर्च है, स्कूल भी उन्हीं से जुड़ा है, लिहाजा इसको जो है निशाना बनाया गया और पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया गया। तो ये तस्वीर बताया जा रहा है कि तीन चार को वहाँ घटना शुरू हुई है, पाँच छः को यहाँ जो है ये घटना हुई है। हालांकि इलाके में कोई भी इसके इस मसले पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये घटना कितनी बड़ी है इसका ये नज़ारा, ये जले हुए चर्च, ये जले हुए स्कूल और ये जो नीचे जली हुई बिल्डिंग, और ये जो पूरा आप देख रहे हैं सामने ये दिख रहा है, कितना बीभत्स रहा होगा, कितना जो है भयंकर रहा होगा ये पूरा वाकया, वो आपकी नज़ारों के सामने है, उसके जो अवशेष हैं वो बता रहे हैं। लिहाजा अब हमको इजाज़त दीजिए और चलते हैं, अब यहाँ यहीं से विदा लेंगे, फिर अगले किसी मंजिल पर आपसे मुलाकात होगी, अगली कहानी आपको बताएँगे कहाँ क्या कैसे क्यों और कब हुआ। बहरहाल अभी इम्फाल के इस इलाके से जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र।